हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखा हुआ है। अब इस पे हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स की लेंथ हम ले लेंगे 5 इंच, जो कि सिलकर 4 इंच आएगी। और विड्थ हमें लेना है चेस्ट का 4th पार्ट, तो मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ क्योंकि 36 की चेस्ट है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच कम करके गोलाई देना है स्लीव्स की। अब यहाँ नीचे की तरफ से भी 2 इंच का माप करके गोलाई देना है। तो ये हमारी डिज़ाइन के लिए होगी गोलाई। अब इसकी कटिंग करना है हमें। तो इस तरह से गोलाई को काटते हुए सेंटर से भी हमें अलग कर लेना है स्लीव्स को। अब लाइनिंग पे भी सेम कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 2 स्लीव्स हमारी 4 टुकड़ों में कट के तैयार हुई है। मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रख के सामने वाली गोलाई से स्टिच करना है। अब इसके बाद हमें सामने वाली गोलाई में जो फैब्रिक है उस पर छोटी छोटी कट्स लगाना है, ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से पलट जाए। इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं और किनारे से हमें इस पर प्रेस स्टिचिंग करना है। प्रेस स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हमें एक फैब्रिक की पट्टी लेना है और उसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसको हमें इसके ऊपर जॉइंट कर देना है। ये पट्टी मैंने तिरछी कट करके ली थी फैब्रिक से और उसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। और यहाँ पर मैं इसको स्लीव्स के गोलाई में जॉइंट कर दे रही हूँ। और इसके सेंटर में हमें लेस लगा देना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है हमने। अब इसमें डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक का टुकड़ा लिया है और इस तरह से मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो रेड कलर की और गोल्डन कलर की दोनों ही लेना है हमें। उसको हाफ फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे और दूसरी पट्टी को हम पहली वाली पट्टी की स्टिचिंग दबाते हुए इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। इसी तरह से एक के बाद एक पट्टी को रखते जाना है, ऊपर वाली पट्टी की स्टिचिंग दबाते हुए और स्टिच करते जाना है। तो पूरे फैब्रिक में कर लेना है हमें ये। तो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो ये डिज़ाइन हमारी दोनों ही स्लीव्स के काम आ जाएगी। तो इसको हमें सेंटर से कट कर लेना है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई हमने ली है 3.5 इंच। तो इसको सेंटर से कट करके एक स्लीव्स के सेंटर में रख के जॉइंट करना है हमें। तो देखिए, इस तरह से बराबर बीच में रख लेंगे और स्लीव्स के दोनों ही पार्ट को दोनों साइड रखते हुए इस तरह से जॉइंट कर देना है हमें। तो यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स डिज़ाइन तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी भी कर ली है हमने। इसको बराबर एक के ऊपर एक जमा कर सामने वाली साइड में 1/2 इंच की गहराई कट करना है हमें। तो ये गहराई हमारी आगे की तरफ जॉइंट होती है। अब हमें इसको ब्लाउज में जॉइंट करना है। तो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और साथ ही हमने यहाँ पर ये बैक पार्ट लिया है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही पार्ट के आपको कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। अब इनको हम शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें स्लीव्स जॉइंट करना है। तो शोल्डर से जॉइंट करने के बाद स्लीव्स के सेंटर वाले पार्ट को हम यहाँ पर शोल्डर से रखेंगे और आर्म होल की गोलाई पर जॉइंट कर देंगे। तो जो हमने गहराई वाला पार्ट कट किया था स्लीव्स में, वो आगे की तरफ जॉइंट होना चाहिए। इस तरह से पूरी स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है हमें। तो यहाँ पर एक स्लीव्स तो हमारी जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर लेना है। और ब्लाउज को उल्टा रखकर दोनों साइड से फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।